पति ही अपने जीवन संगनी का कातिल निकला है। साजिशा शादी की कोशिश में उसने 16 साल के दंपत्य जीवन और 8 बच्चों के प्यार को दरकिनार कर अपनी पत्नी को ही मार डाला। महिला की गर्दन रेत कर नृशंस हत्या की घटना 3 दिन पहले असमोली थाना के गांव फतेहपुर मदाला में हुई थी, जहां की 32 साल की महिला का शव मक्का के खेत में मिला था। एसपी चक्रेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला को उसका पति खेत पर काम को ले गया था, जहां उसने दुपट्टे से गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी, फिर गर्दन भी रेत दी। पुलिस के अनुसार महिला का इस गांव के अतर सिंह से 16 साल पहले विवाह हुआ था। उनके 8 बच्चे हैं। बावजूद अतर सिंह के साली से अवैध संबंध थे, वे साली के साथ शादी करना चाहता था, जिसका पत्नी विरोध करती थी। साली से शादी के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या आरोपी पति को अरेस्ट कर घटना का खुलासा किया है। थाना असमोली के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर मदाला में 3 दिन पूर्व एक महिला की शव बरामद हुआ था, जो मक्के के खेत में पड़ा हुआ था और उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में आज जो इस मामले का वादी था अतर सिंह, जो महिला का पति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जुर्म को करना कबूल किया गया है। उसके जो कपड़े हैं उनको FSL जाँच के लिए भेजा गया है, उसमें भी खून के लक्षण पाए गए हैं। इसमें पूरी घटनाक्रम इस प्रकार का था कि इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसका अपनी साली के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर उसकी पत्नी बीच में रोक टोक करती रहती थी, अतः उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए मक्के के खेत में जब अकेला पाया तो उस समय उसने पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की, उसके बाद में खुरपी से उसके गले पर प्रहार करके और गला भी रेत दिया। इस तरह से इसके बाद में उस घटना को इस तरह का रूप देने का प्रयास किया जिससे कि शक दूसरे लोगों पर जाए। पूरी पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा चुकी है। इस व्यक्ति को आज अतर सिंह नामक व्यक्ति को आज माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। हत्या में इसने स्वीकार किया है कि अकेला था, खेत पर ये और इसकी पत्नी गए हुए थे, वहीं पर इसने ये कार्य किया।